संकट के समय वैदिक ब्राह्मणों द्वारा हमें हनुमान चालीसा करने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में हनुमान जी सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले जीवंत देवता हैं। जीवन की हर समस्या का समाधान हनुमान चालीसा द्वारा किया जा सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा वीर हनुमान को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल और शक्तिशाली स्तुति है। उन्होंने हनुमान जी की स्तुति में कई रचनाएं रची, जिनमें हनुमान बाहु, हनुमानष्टक और हनुमान चालीसा प्रमुख है। हनुमान चालीसा की रचना के पीछे एक बहुत ही रोचक और दिलचस्प कहानी है, तो आइए उसको जानते हैं। ये घटना उस समय की है जब भारत पर मुगल सम्राट अकबर का राज था। एक बार सुबह के समय एक महिला ने पूजा से लौटते हुए तुलसीदास जी के चरण स्पर्श किए। तुलसीदास जी ने उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद मिलते ही वह फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए उसने बताया कि मेरे पति का अभी अभी देहांत हो गया है और आप तो राम जी के परम भक्त हैं, आप उन्हें जीवित कर दीजिए। इस बात का पता लगने पर भी तुलसीदास जी तनिक भी विचलित न हुए। अपने आशीर्वाद को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त थे, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान भली भांति था कि भगवान राम बिगड़ी बात संभाल लेंगे और उनका आशीर्वाद कभी भी खाली नहीं जाएगा। उन्होंने उस स्त्री सहित वहां उपस्थित सभी को राम नाम का जाप करने को कहा। सभी ने ऐसा ही किया और वह मरा हुआ व्यक्ति राम नाम जप के प्रभाव से जीवित हो उठा। जब यह बात बादशाह अकबर को पता लगी तो उसने अपने महल में तुलसीदास को बुलाया और भरी सभा में उनकी परीक्षा लेने के लिए उसने कुछ चमत्कार करने को कहा। यह सब सुनकर तुलसीदास जी अकबर से बिना डरे कहा कि वो चमत्कारिक साधु नहीं है, सिर्फ श्री राम जी के भक्त है। अकबर इतना सुनते ही क्रोध में आ गया और उसने उसी समय सिपाहियों से कहा, तुलसीदास जी को लोहे की जंजीर बंधवा दिया जाए। तुलसीदास जी ने तनिक भी प्रक्रिया नहीं दी और राम का नाम जपते हुए कारागार में चले गए। उन्होंने कारागार में भी अपनी आस्था बनाए रखी और वहां रह कर ही हनुमान चालीसा की रचना की और 40 दिन तक उसका निरंतर पाठ किया। 40वें दिन एक चमत्कार हुआ। हजारों बंदरों ने एक साथ अकबर के महल पर हमला बोल दिया। अकबर एक समझदार बादशाह था, इसीलिए उसे कारण समझते देर न लगी और अब उसे भक्ति की महिमा समझ में आ गई। उसने उसी क्षण तुलसीदास जी से क्षमा मांग ली और कारागार से उन्हें मुक्त कर दिया और आदर सहित उन्हें विदा किया। इतना ही नहीं, अकबर ने उस दिन के बाद तुलसीदास जी से जीवन भर मित्रता निभाई। मान्यता है कि हनुमान जी ने तुलसीदास जी को आशीर्वाद दिया कि जो भक्त कलयुग में श्रद्धा भक्ति से इस पाठ को करेंगे उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कवि तुलसीदास ने हनुमान चालीसा को अवधी भाषा में लिखा है। अपने अंतिम दिनों में कवि तुलसीदास वाराणसी में रहने चले गए थे। वहां उनके नाम एक घाट भी है जिसे तुलसी घाट नाम दिया गया है। यहीं रहकर तुलसीदास जी ने हनुमान मंदिर भी बनाया जिसका नाम है संकट मोचन मंदिर। श्री गुरु हनुमान चालीसा के शुरुआत के दोहे का पहला शब्द है। इसमें श्री का संदर्भ माता सीता से है, जिन्हें हनुमान जी अपना गुरु मानते थे। प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब तुलसीदास ने रामचरितमानस बोलना समाप्त किया तब तक सभी व्यक्ति वहां से जा चुके थे, लेकिन एक बूढ़ा आदमी वहीं बैठा रहा। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि खुद भगवान हनुमान थे। हनुमान चालीसा को सबसे पहले भगवान हनुमान ने ही सुना था। हनुमान चालीसा में हनुमान के ऊपर 40 चौपाइयां लिखी गई है। ये 40 शब्द इन्हीं 40 अंकों से मिलता है। हनुमान चालीसा के पहले 10 चौपाइयां हनुमान की शक्ति और ज्ञान का व्याख्यान करते हैं। 11 से 20 तक की चौपाइयों में भगवान राम के बारे में कहा गया है, जिसमें से 11 से 15 तक चौपाई भगवान राम के भाई लक्ष्मण पर आधारित है। हनुमान जी की कृपा के बारे में तुलसीदास ने आखिरी चौपाई में बात की है। मैं दोस्तों आप सभी से यही गुजारिश करूंगा कि अगर आप भी दोस्तों संकटों से मुक्ति पाना चाहते हैं, आपको एक बार हनुमान चालीसा का पाठ तो करना ही चाहिए। और दोस्तों अगर आपके पास टाइम नहीं होता तो आप मंगलवार या फिर शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आपको दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान।